हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीम ऑफ प्रोफेसर एमएच। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स शुरू करने से पहले आज हम एक रिकैप करेंगे रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड देन फर्दर विल स्टडी विद द कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। मीनिंग एज सेड अर्लियर, व्हाट इज़ ई कॉमर्स? जब भी हम कुछ भी सामान परचेज करते हैं और जब हम सामान सेल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, हम उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ऑलराइट, अब ये ई कॉमर्स जो भी प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, एज सेड अर्लियर, है ना। एंड देन वी कैन से दैट द सेलर एंड द बायर इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन एज सेड इवन अर्लियर। यहाँ पे फेस टू फेस नहीं होता है इंटरेक्शन, यहाँ पर स्क्रीन टू फेस इंटरेक्शन होता है। ऑलराइट, सो सिंपल मीनिंग था परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, that is known as e-commerce, when we use the technology such as computers or mobile applications. Here in e-commerce the process of doing business occurs electronically, and then we can say that in e-commerce sellers and buyers interact in electronically, or we can say screen to face. ऑलराइट, तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉम्पोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। सो द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स द कस्टमर्स, हु आर माई कस्टमर्स, है ना, कस्टमर्स कौन होते हैं? सी, कस्टमर्स कैन बी इंडिविजुअल्स, दे कैन बी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, है ना। अब जब हमने कस्टमर्स की बात किया है तो कस्टमर जो यहाँ पर है, दे कैन बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और एनीबडी हु आर यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें एक सिंपल क्लिक करना होता है, ठीक है, और जो भी हमें सामान चाहिए वो हमें मिल जाता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी बहुत जल्दी बिल्डअप नहीं हो जाती है। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया है तो ऐसा नहीं होगा कि आई विल बी यू नो कस्टमर लॉयल ओनली एंड ओनली परचेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट ओनली। आई मे परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन, बीइंग अ प्राइम कस्टमर आई कैन गो अहेड विद प्राइम सेल ओनली, है ना। तो यहाँ पर देर इज़ ओनली अ नीड टू क्लिक, बट द मेन डिसएडवांटेज इज देर इज़ नो कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड। अब दूसरा चीज़ क्या हो जाता है यहाँ पे कि हमने जो भी यू नो रिटर्न पॉलिसी होता है वो बहुत ही आराम से अच्छे से हो जाता है, फिर टाइमली डिलीवरी हो जाता है, मतलब कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो जाता है थ्रू ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स है वो इंडिविजुअल्स हो सकता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। देर आर सर्टन प्रोक्योरमेंट, ओके, वेर इन अ कस्टमर और आई कैन से अ यूज़र कैन गो थ्रू बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन अ बटन। ऑल राइट, एंड देन वेंडर्स जो है वो मेक श्योर करता है कि कस्टमर को जो भी सामान है वो ऑन टाइम मिले, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, कस्टमर का जो भी रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हो। ऑल राइट, सो दिस वॉज द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट इज सेल्स पर्सन। सी, सेल्स पर्सन को हम दूसरा वर्ड कह सकते हैं वेंडर्स, है ना। तो हुआ माई वेंडर्स, दे आर नथिंग बट दे आर द सेल्स पर्सन। अब यहाँ पे वेंडर क्या करता है, यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पर सामान को हम बेचते हैं, वेर इन वी सेल द प्रोडक्ट्स। यू नेम इट एज फ्लिपकार्ट, यू नेम इट एज अमेज़ॉन। ऑल राइट, यहाँ पर थ्रू हम कैसे ले सकते हैं, हाउ कैन वी परचेज? तो वी कैन परचेज थ्रू www.flipkart.com, या तो हम मोबाइल ऐप, जैसे मैंने मीनिंग में बताया था, हम उसके थ्रू एप्लीकेशन थ्रू भी परचेज कर सकते हैं ना। अब वेंडर्स क्या करते हैं, सेलर्स क्या करते हैं, सेल्स पर्सन क्या करता है? सी, वेंडर्स नीड टू इंश्योर बेटर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शन। अगर ये तीन चीज़ें उसने बहुत ही अच्छे तरीके से इंश्योर किया तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो है वो लॉयल हो सकते हैं। ऑलराइट, अब इसमें फर्दर पॉइंट्स क्या है? फर्दर्स है SCM, SCM इज़ नथिंग बट सप्लाई
चेन मैनेजमेंट। ओके, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पर सप्लायर मेक श्योर करता है कि अच्छे खासे जो भी गुड्स है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मेरे कस्टमर तक का पहुँच जाए सेफली। डन एवरीवन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देर हैज़ टू बी अ शॉर्ट डिलीवरी टू द कस्टमर्स, मेक श्योर करना है कि इनफ इन यू नो अच्छे तरीके से सामान जो है वो हम तक पहुंच जाए, कस्टमर तक पहुंच जाए। नेक्स्ट इज शिपिंग एंड रिटर्न्स। जैसे मैंने कहा, यूज़र्स जो है, फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि रिटर्न पॉलिसी बहुत ही फ्रेंडली होती है यहाँ पे, है ना। तो शिपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर मैंने सामान को वेयर हाउस में रखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि हम बहुत ही इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में रिटर्न पॉलिसी कर सकते हैं। तो शिपिंग है ही, शिपिंग अगर है तो रिटर्न पॉलिसी भी अच्छी खासी होना चाहिए, विद इन अ टाइम पीरियड हमें दे देते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर आज मेरे घर पे सामान आ गया है, ठीक है, तो उसमें मेंशन किया होता है विद इन 10 डेज, विद इन यू नो 15 डेज, विद इन अ वीक, इफ़ यू डोंट फील गुड अबाउट द प्रोडक्ट यू मे रिटर्न इट, है ना। तो ये क्या, रिटर्न पॉलिसी। देन प्रोडक्ट डिस्प्ले। नाउ व्हाट इज़ प्रोडक्ट डिस्प्ले? सी, प्रोडक्ट डिस्प्ले आई कैन से के पहले जो है, ठीक है, मतलब लाइक क्या था कि यहाँ पर जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए बाय द वेंडर्स, सो दैट हूएवर माय कस्टमर इज़, ठीक है, वो अच्छे तरीके से कैटलॉग को देखे, अच्छे तरीके से उसको एक्सपीरियंस करे, अच्छे तरीके से जो भी यू नो ड्रेस मटेरियल है वो मेंशन करे, ठीक है। अब जैसे हम यू नो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, मिंत्रा हो गया है, मीशो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देर आर लॉट मैनी यू नो ई कॉमर्स। अब सिर्फ और सिर्फ मैं शॉपिंग ऐप की नहीं बात करूँगी, देर इज़ जोमैटो, स्विगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी सी, फर्स्ट वी लुक आउट के डिस्क्रिप्शन क्या है एंड देन वी बाय द प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर भी इन ई कॉमर्स मेक श्योर कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज मैंशन सो दैट द कस्टमर्स कैन फर्दर परचेज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज शोरूम। द बेस्ट एग्जाम्पल गोज विथ नाइका, देन दस ममाज अर्थ। पहले सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग ही थे, पर अभी इन लोगों ने क्या किया है, अभी इन लोगों ने ऑफलाइन परचेज भी किया है। सो एज आई सजेस्टेड सम ऑफ द नेम्स, दैट इज़ नाइका, देन आई सेड ममाज अर्थ, ये वेंडर्स ने क्या किया है, इन लोगों को रियलाइज हुआ है कि द प्रोडक्ट्स कैन बी यू नो सोल्ड फास्टर इफ़ द कस्टमर्स कम, इफ़ द कस्टमर सी आर प्रोडक्ट, इफ़ द कस्टमर यू नो टचेज द प्रोडक्ट, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, देन द कस्टमर एक्सपीरियंसिस द प्रोडक्ट मोर एफिशियंटली, देन दे मे बाय द प्रोडक्ट, राइट। तो आजकल शोरूम्स ओपन कर दिया है, तो सेल्स पर्सन इज नथिंग एज सेड कि यहाँ पर जो भी है बेटर इफेक्टिव एफिशियंट ट्रांजेक्शन्स होता है थ्रू द वेंडर्स और आई कैन से सेल्स पर्सन। से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जैसे कहा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सेफली डिलीवरी करना है, डिलीवरी के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी देना है, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है, एंड देन देर आर ऑफलाइन शोरूम्स ऑल्सो ऑफ ऑनलाइन, जैसे कहा है नाइका, एंड देन देयर ममाज़ोन। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेट। सी, अगर ई कॉमर्स का इस्तेमाल करना है तो भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के, बिना वाईफाई के क्या हम ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो देयर हैज़ टू बी अ नेट कनेक्टिविटी। सी, मैनी मोबाइल कंपनीज हैव लॉन्च 4G सर्विस, आजकल तो भाई 5G भी होने लग गया है ना, तो देयर हैज़ टू बी अ इंटरनेट कनेक्टिविटी टू एसेस द ई कॉमर्स, है ना। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ अ मस्ट अगर तुम लोगों ने ई कॉमर्स का यूज़ करना है तो, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट था। देन है पोर्टल, जैसे मैंने कहा, ठीक है, वेब पोर्टल दिया जाता है हर एक एप्लीकेशन में जहाँ पर हमें ई कॉमर्स को इस्तेमाल करना है, ऑलराइट। तो वेंडर्स जो है दे नॉर्मली परचेजेस सम ऑफ द पोर्टल्स, ओके, एंड देन व्हाट डू? दे गो फॉर सच बिजनेसेस, ओके। अब यहाँ पे स्मार्ट टीवीज़ है, डेस्कटॉप्स है, लैपटॉप्स है, देन देर मोबाइल फोन्स, टैब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो
ये सब चीज़ें जो है वो हम अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो पोर्टल में क्या होगा, पोर्टल में अच्छे खासे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू डिवाइसेस, मोबाइल्स, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप, स्मार्ट टीवीज एंड एक्सेट्रा, ऑल राइट। सो देर हैज़ टू बी अ वेब पोर्टल। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल्स है, वॉट डू, दे इंटरेक्ट विद द वेंडर्स, ओके, थ्रू दिस वेब पोर्टल। सो वेब पोर्टल इज नथिंग बट इट इज एन एप्लीकेशन थ्रू विच द यूजर इंटरेक्ट विद द ई कॉमर्स वेंडर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ पेमेंट। पेमेंट हम कैसे करते हैं, है ना। सी, हम या तो कार्ड्स यूज कर सकते हैं, हम COD's, कैश ऑन डिलीवरी होता है ना, फिर हमारे पास में तो आजकल Paytm है, ओके, द एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब मेथड्स है वेयर इन वी कैन पे, ऑलराइट। सो पेमेंट जो है हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, देन देयर्स Paytm, ओके, पेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यू नो मोड ऑफ पेमेंट है जहाँ पर हम ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आई कैन से इट इज़ अ सर्वर दैट इज़ डेडिकेटेड टू द लिंकिंग वेबसाइट्स एंड एज सच द बैंक्स जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इन अ पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, है ना। जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं भाई, तो टेक्नोलॉजी तो अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं हुई तो काम किस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो ईजी टू यूज़, है ना। फॉर एग्जाम्पल आजकल के जो यू नो यंगस्टर्स हैं, कोई भी उनको टेक्नोलॉजी दे दो वो बहुत ही अच्छे से यूज टू हो जाते हैं। बट वॉट एवर द पीपल जो यू नो ओल्ड एज में है, स्टिल अगर उनको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो दे मस्ट बी यू नो कन्वीनियंट टू यूज़ द ऐप। तो यहाँ पे क्या है कि डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि बीच में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते थे जहाँ पे यू नो तुम लोग फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन जो यूज़ कर रहे हो वो हिंदी ट्रांसलेशन में भी होता था। तो इन केस अगर हमारे पेरेंट्स को किसी को भी मंगाना था तो अब इंग्लिश का वेट ना करें, डायरेक्टली कुछ भी यू नो बोले और वो हिंदी में टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्वीनियंट किया है ना, हर एक कस्टमर्स को कन्वीनियंट मोड पे डाला हुआ है कि अगर तुम लोगों को कुछ भी ई कॉमर्स को यूज़ करना है तो अच्छे तरीके से एसेस कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो है वो है ईजी टू यूज़, आई कैन से कन्वीनियंट होना चाहिए मेरे कस्टमर्स को जब भी कोई ई कॉमर्स यूज़ करता है। तो नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशंस, हर एक के फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशंस है, जस्ट एज यू नो पर्सनल कंप्यूटर्स हो, मोबाइल डिवाइसेस हो, टैबलेट्स हो, स्मार्टफोन्स है, एक्सेट्रा, कुछ भी अगर है, ठीक है, तो हम आराम से ऐप डाल सकते हैं, वी कैन यूज़ इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल सी, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स एन आईफोन ऐप, दोज विद एंड्रॉयड फोन्स कैन नॉट रन, है ना। कभी कभी कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जहाँ पे iOS सपोर्ट नहीं करता है, कोई कोई ऐप होते हैं जब एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं करता है। तो मेक श्योर करना है सप्लायर्स को जो भी यू नो है कि ऐसा कुछ करो, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करो वेर इन एंड्रॉयड एज वेल एज iOS कस्टमर्स कैन यूज़ द ऐप, है ना, एंड ई कॉमर्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज सम ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट वॉज कस्टमर्स, then we talked about salesperson, we spoke about salesperson was further divided into supply chain management, shipping and return, product display, showroom, then we studied internet, then portal, method of payment, and then last was technology. I hope ye jo concept hai wo clear hua hoga. If yes, do like, share, subscribe, and in case agar kuch bhi doubt hai तो प्लीज़ डू कॉमेंट, व्हाटएवर योर डाउट इज़, हम कोशिश करेंगे कि हम उसे क्लियर करें। थैंक यू एवरीवन।